हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था। वीडियो क्या नाम से टॉपिक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर। यानी कि दो कंडक्टर्स हैं, है ना, मतलब वो एक तरीके से कैपेसिटर्स ही हैं, और उनको हमें कनेक्ट करना है किसी वायर से, ठीक है, या किसी भी तरीके से हम उन्हें कनेक्ट करना है, और फिर देखना है कि उनके उनका चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है और इस दौरान कितना एनर्जी लॉस होता है। तो एक तरीके से ये टॉपिक दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है। पहले तो हम देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और फिर नेक्स्ट इसी की सब टॉपिक में देखेंगे लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है, ठीक है। तो हमने दो कंडीशन लेकर के चले हम। पहले तो हमने दो कंडक्टर्स लिए, है ना, अलग अलग रेडियस, अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग चार्जेस और अलग अलग कैपेसिटेंस के, सही है। फिर हमने फिलहाल इनको किसी कंडक्टर वायर, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस नहीं है, तो ये शुरू वाली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि हमने दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से, और एक ऐसा कंडक्टिंग वायर जिसका नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होगा तो ये इन दोनों के कैपेसिटेंस को इफेक्ट करेगा, इसलिए हमने एक कंडक्टिंग वायर ज़रूर लिया है, लेकिन ऐसा लिया है जिसका खुद का कैपेसिटेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। फिर हमने कनेक्ट किया तो हमने देखा कि इनके ऊपर पहले जो चार्जेस मौजूद थे Q1 Q2 वो आपस में रीअरेंज हो रहे हैं। यानी कि कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, लेकिन किस तरीके से आ रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। समझ में आ गई? जैसे हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है, बिल्कुल वैसे ही पोटेंशियल हाई से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्जेस का फ्लो होता है। चार्ज फ्लो होने का मतलब करंट फ्लो का, करंट फ्लो से ही है मेरा, ठीक है, और हम जानते हैं कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है ना, ठीक है। तो हमने देखा कि ये कब तक जाएगा, तब तक जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो गर्म बर्तन है, एक गर्म है एक ठंडा है पानी का बर्तन, तो तब तक हीट ट्रांसफर हो जाती है जब तक होती है, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो सेम सिचुएशन है। फिर हमने ये देखा कि हमने डायग्राम वगैरह का सारा बता दिया, और हमने ये देखा कि इनिशियल वाले सिचुएशन जो है उसमें चार्ज Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, इतनी बात हम लोग कर चुके थे, ठीक है। चलो अब आ जाओ आप आगे कि अब हुआ क्या कि हमने इसको किसी नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ इफ दीज टू कंडक्टर्स, दीज टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर, विद अ कंडक्टिंग वायर ऑफ नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस, negligible capacitance, then there is redistribution of charges, there is redistribution of charges until then, kab tak, until then equal potential V is at both conductors। समझ में आ गई बात? मतलब कब तक होता है ऐसा? जब तक कि दोनों पर आपके क्या ना हो जाए, V पोटेंशियल ना हो जाए। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, एक बात और लिख देंगे हम यहाँ पे, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, ठीक है। हम ये मान लेते हैं, लेट आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेज ऑन बोथ कंडक्टर्स आर Q1 dash and Q2 dash, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो Q1 dash कितना होगा और Q2 dash कितना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बिफोर उनको किसी वायर से कनेक्ट किया, उससे पहले हमने Q1 Q2 निकाले थे, क्योंकि वहाँ पे C1 into V1 आया था, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ, हमारा कैपेसिटेंस तो सेम है रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, लेकिन वोल्टेज अब की बार, सॉरी कैपेसिटेंस तो अलग अलग है, लेकिन वोल्टेज हमारी क्या हो गई है, सेम हो गई है। तो आप क्या लिखोगे, C1 into V, है ना, और Q2 डैश कितना लिखोगे, C2 into V। समझ में आ गई? तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4,
और ये मेरे पास होगा इक्वेशन नंबर 5। देयरफॉर टोटल चार्ज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, टोटल चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, Q डैश, और वो कितना होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, है ना, यानी कि C1V प्लस C2V, यानी कि कितना Q डैश इज इक्वल टू आ गया C1 प्लस C2 इंटू V, इक्वेशन नंबर 6। सही बात है ये, ठीक है। अब देखो, अब आपका क्या होगा, ये तो अपने अपना अपन ने क्या निकाल लिया, बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बिफोर कनेक्टिंग वायर कितना चार्ज होगा टोटल, और आफ्टर कनेक्टिंग वायर कितना चार्ज होगा टोटल, ये हमने बात कर ली है अब तक, समझ में आ गई बात। अब आप ये देखो कि नेक्स्ट आप क्या निकालोगे, कॉमन पोटेंशियल, यानी कि ये वी, कॉमन पोटेंशियल मतलब जो दोनों का पोटेंशियल है वो अपन को कैलकुलेट करना है, तो हम किससे लेंगे, देयरफॉर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आपको पता है जैसे एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ऐसे हमेशा चार्ज भी क्या रहता है, कंजर्व, ठीक है। तो चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व, कंजर्व चार्जेस से क्या मतलब होगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले का टोटल चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद के टोटल चार्ज के बराबर होगा, इससे क्या होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। देयरफॉर टोटल चार्ज बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, सी वन वी प्लस सी टू वी, यही तो, सॉरी सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू है बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ से, इक्वेशन 3 से। और आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना है, सी वन प्लस सी टू इंटू वी, तो हमारे पास वी इज इक्वल टू कितना आ गया, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल। ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है कि ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कॉमन पोटेंशियल निकालो, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। सही बात है। अब जो है आप ये निकालेंगे कि आगे देखो, वी तो निकल गया हमारा, नाउ द रेशो ऑफ चार्जेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना है, देखे तो ज़रा रेशो चार्जेस क्या है रीडिस्ट्रीब्यूशन के आफ्टर Q1 डैश और दूसरा Q2 डैश। Q1 डैश कितना है C1 इंटू वी और Q2 डैश कितना है C2 इंटू वी, पता है ना हमें इक्वेशन 4 और 5 से इन दोनों का रेशो लिया है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, V से V कैंसिल हो जाएगा C1 अपॉन C2, तो हमारे पास क्या आ गया Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब ये है कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है चार्जेस का, तब उन दोनों का रेशो, चार्जेस का रेशो जो है वो कैपेसिटेंस के रेशो पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, समझ में आ गई बात आपको। तो हम लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द रेशो ऑफ चार्जेस इज द रेशो ऑफ कैपेसिटेंसेस, ठीक है, इन्वर्सली नहीं है, प्रोपोर्शनली ही है, ठीक है। Q1 डैश इज इक्वल टू C1 और Q2 डैश इज इक्वल, ठीक है, रेशो इस तरीके से है कि वो उन दोनों के कैपेसिटेंस के, ये इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, समझ में आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। अगर क्या हो, यहाँ तक की तो बात सही है। अभी तक मैंने आपसे कहा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, पर ये नहीं पता कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। अगर इफ़ वी वन इज़ ग्रेटर देन वी टू, तो जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ से कहाँ होगा, पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ होगा भाई, अगर वी वन वी टू से ज़्यादा होगा, और हमें पता है कि तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये सेम वाला पोटेंशियल जो होता है ना, मान लो ये इन दोनों के बीच का होता है, मान लो कि इसका 20 वोल्टेज है, इसका कितना है 10 वोल्टेज है, तो पता है ये कब तक एक दूसरे को चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक 20 और 10 के लगभग बीच की वैल्यू हमें नहीं मिल जाती, या तो 13 से 15 के बीच में या कुछ ऐसी वैल्यू। तो जो साम्यावस्था होती है ना, वो दोनों का एक तरीके से एवरेज होती है, ये ध्यान रखना। ऐसे हीट का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम पोजीशन ना मिल जाए,
समझ में आ गई। तो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पोजिशन में लगभग दोनों का एवरेज होता है, समझ में आ गई। तो 20 और 10 के बीच में हो सकता है कोई सा भी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एवरेज होगा, लेकिन जो भी टेम्परेचर वीक, जो भी वोल्टेज होगी ना वी, वो इन दोनों के बीच की कोई नंबर होगी। इससे तो ज़्यादा होगी, 10 वोल्ट से तो ज़्यादा होगी वी का मान, और 20 वोल्ट से कम होगा वी का मान। कब? जब मैंने माना है कि वी वन इज़ ग्रेटर देन वी टू है, यानी कि V1 V2 से ज़्यादा है, तभी तो मैंने इसको 20 माना है और इसको 10 माना है। तो जो वो V जो साम्यावस्था वाला V है, इक्विलिब्रियम वाला V है, वो 10 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 20 से क्या होगा, कम होगा। तो हमने क्या मान लिया कि इफ़ V1 इज इक्वल टू V2, तो इसका मतलब आपका क्या मिलेगा पता है, कि एट इक्विलिब्रियम, हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम V1 इज ग्रेटर देन V है ना, इज ग्रेटर देन V2, यानी कि V की वैल्यू V2 से तो ज़्यादा होगी लेकिन V1 से क्या होगी, कम होगी। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा, देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, पहले वाले का निकालना है चेंज इन पोटेंशियल, उसको हम डेल्टा वी से बताएंगे। चेंज इन पोटेंशियल पहले का कितना होगा, वी वन ज़्यादा है कि वी ज़्यादा है, ज़्यादा वी है पहले के लिए निकाल रहे हैं, तो ज़्यादा में से कम घटेगा, यानी कि वी वन में से आप क्या घटा दोगे, वी घटा दोगे, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल टू वी वन कितना है, वी वन तो वी वन ही है, लेकिन वी हमने निकाल लिया, वी हमने निकाला है इक्वेशन 7 में, ये देखो ये लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। कितना लिख दें, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। एलसीएम ले लो, डेल्टा वी इज इक्वल टू, ठीक है। एलसीएम लोगे तो देखो नीचे कितना आएगा, C1 प्लस C2, एलसीएम लोगे तो V1 C1 प्लस V1 C2 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 है ना। V1 C1 से V1 C1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया आपका, C2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, V1 माइनस V2, और नीचे कितना आ गया, C1 प्लस C2, समझ में आ गया। ये अपने पास क्या आ गया, डेल्टा वी, तो हम लिख देंगे देयरफॉर डेल्टा वी इज इक्वल टू C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये किसके लिए आया है, फर्स्ट कंडक्टर के लिए, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। इसी तरीके से आप चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हो सेकेंड के लिए भी, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल कंसेप्ट तो अपना वहीं पे हो गया था, ये तो अपन मैथमेटिकली चीज़ों को निकाल रहे हैं फॉर्मूला वाइज। चेंज इन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड है ना कंडक्टर, दूसरे कंडक्टर में क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू, अब देखो दूसरे के लिए निकाल रहे हैं, वी और वी टू में देखना है हमें चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि चेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ है, वी वन तो वी में चेंज हुआ है और वी टू वी में चेंज हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले में तो हमने वी वन ज़्यादा था, वी वन में से वी घटाया था, लेकिन दूसरे कंडक्टर के लिए वी टू और वी में से कौन ज़्यादा है, वी ज़्यादा है, तो वी में से वी टू घटाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वी माइनस वी टू, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी माइनस वी टू कितना है, सॉरी वी टू नहीं है हमारे पास, वी की वैल्यू है, वी वन वी कितना है, सी वन वी वन प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, माइनस V2, ठीक है। तो आपके पास डेल्टा वी कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो फिर से, C1 प्लस C2, ये तो क्या रहेगा, C1 V1 प्लस C2 V2, और ये क्या रहेगा, C1 V2 माइनस का और माइनस C2 V2। क्या क्या कट गया आपका, आपका कट गया C2 V2 से C2 V2 कैंसिल, तो डेल्टा वी कितना आएगा आपका, डेल्टा वी आएगा C1 V1 और ये इसमें से C1 कॉमन आ रहा है ना, अंदर क्या बचेगा, V1 माइनस V2 और नीचे कितना आएगा, C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये आपके पास चेंज इन पोटेंशियल आ गया कि सेकंड के पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, इक्वेशन नंबर 10। अब देखो फर्क क्या आया है, पहले वाले में जब निकाला ना चेंज इन पोटेंशियल तो ऊपर C2 आया है, बाकी तो V1 माइनस V2 अपन C1 प्लस C2 वही है, और जब दूसरे वाले का निकाला तो यहाँ पे C1 आया और बाकी V1 माइनस V2 अपन C1 प्लस C2 वही है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ये इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है, मैंने बताया ना इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है, और इससे पहले जो कॉमन पोटेंशियल निकाला था ना C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर कहाँ से, यहाँ पे आप लिख देना यूजिंग कौन सी इक्वेशन 7, और यहाँ पे हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ किया है, यूजिंग 4 एंड 5, ठीक है। तो ये 7 में हमने ये वाली निकाली है, इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है, समझ में आ गई बात आपको। तो कहने का ये मतलब है कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाएगा ऐसे दो कंडक्टर्स में, तो आप एक एक चीज़ और निकाल सकते हो, अब रेशो और निकाल लो। अच्छा ये पहले का है तो डेल्टा वी वन लिखो ना इसको, ये लो डेल्टा वी वन, और जो दूसरे का निकाला है इसको डेल्टा वी टू लिख देते हैं। रेशो निकाल लो दोनों का, रेशो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल दोनों के पोटेंशियल में
कितना चेंज हुआ ऑफ बोथ कंडक्टर्स, यानी कि हमने पहले का निकाल लिया दूसरे का निकाल लिया, दोनों का रेशो और निकाल लो, यानी कि 9 और 10 का रेशो निकाल लो, 9 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आएगा, डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू कितना आएगा, कितना आएगा आप बताओ कितना आएगा। देखो ये तो कट ही जाना है, वी वन माइनस वी टू से वी वन माइनस वी टू, सी वन प्लस सी टू से सी वन प्लस सी टू, क्या बचेगा, सी टू अपॉन सी वन, यानी कि कैपेसिटेंसेस के इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है। देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्जेस का रेशो जो होता है वो कैपेसिटेंस के प्रपोर्शनल होता है, समझ में आ गया, रेशो उसी के बराबर है। लेकिन यहाँ पर कैसा आएगा, देखो डेल्टा वी वन अपॉन वी टू सी टू अपॉन सी वन, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, समझ में आ गई। तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो कैपेसिटेंसेस के रेशो का रेसिप्रोकल होगा। तो इक्वेशन नंबर 11, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द रेशो ऑफ, द रेशो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेशो ऑफ कंडक्टर, रेशो ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ, रेशो ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ बोथ कंडक्टर्स, इन्वर्सली ही तो आ रहा है, सी टू अपॉन सी वन आ रहा है वी वन वी टू के लिए, और यहाँ पे देखो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैपेसिटेंसेस के रेशो के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन यहाँ पर जो है इसका रेसिप्रोकल होगा, ये ध्यान रखना है आपको, इसी पे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, कल हम देखेंगे एनर्जी लॉस कि कितना एनर्जी लॉस होता है इस रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले खेल में, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, बस फिर खत्म आपका ये चैप्टर, ठीक है, नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।